मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे घर का पूरा नहीं करेंगे। बिल्कुल टाइम तो हो गए 12:30 लेकिन हम हैं 11:30 पे इकबाल मार्केट औरंगी टाउन। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे पार्किंग में? 10-15 दिन हुए यहाँ पे। 10-15 आइसक्रीम खाए और बाप बेटा को सब्सक्राइब करें। रोजाना खाते हो? रोजाना तो हम भी नहीं खाते भाई। भाई बाप बेटा को सब्सक्राइब कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग पहुंच गए हैं बाल मार्केट। हम आपको एक ऐसी बाबू लड़की से मिलवाएंगे कराते हैं जो अपने अपने बाप का माँ बाप का सहारा बनी हुई है, उनके ऊपर भाई नहीं है, तो माशाल्लाह उस बच्ची से हम मिलवाते हैं कि वो यहाँ क्या काम कर रही है। भाई आवाज़ हो गई है मेरी बिल्कुल जाम, आप लोग सुन सकते हैं। और इस मार्केट में आप लोग रश देखें, लोगों का एक हुजूम भरा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक मैं आपको कैमरा जाएगा वहाँ तक मैं आपको जो है लोग ही लोग दिखा सकता हूँ। मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द आप हर जगह देख सकते हैं कितना रश है मार्केट के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही चांद रात हो। ये देखिए तो अपना इंट्रोडक्शन दे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतूफा है, मेरी एज 18 साल है और मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मतलब कि मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे बाबा और नानी भी हैं, वो भी साथ रहती हैं, प्रायः लाइज है वो बिस्तर में बिल्कुल। और जो है मैं, मेरी एजुकेशन मतलब कि 8 के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, घर की मजबूरी थी, छोटी सी उम्र में मेरे सारी बहुत सारा मेरे तक की जिम्मेदारियाँ आ गई थी, इसी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद अभी मैं जो मेरी मतलब कि मैंने सोचा जब मेरे मतलब कि मैं स्टेंट गारमेंट्स में जॉब करती थी, मेरे बाबा और मैं साथ ही जॉब करते थे, स्टेंट गारमेंट्स पीवीटी एलटीडी लिमिट में जॉब करते थे, बाबा की भी जॉब छूट गई थी, मेरी भी जॉब छूट गई थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो मेरे मतलब कि 20,000 की कमेटी निकल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो जमा की हुई थी और फिर मेरी बीसी निकली थी, तो उस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो है फिर मैंने मतलब कि बाबा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मैंने उनसे पहले इजाजत की बाबा मैं काम कर सकती हूँ, उन्होंने बोला जी बेटा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था रोल, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब एक लेडीज ऐसा काम करने शुरू होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आप कोई भी काम करने खड़े हो जाए, खासतौर पर जब एक लेडीज ऐसा काम करने खड़े होती है तो लोग बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं, तो वो आप किस तरह से फेस करती हैं वो बताएं आप। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे घर का पूरा नहीं करेंगे, बिल्कुल वो मेरे घर पे राशन नहीं डालेंगे, वो मेरे माँ बाप को देखेंगे नहीं, मैं चले जाऊंगी कल को शादी होगी, मेरे माँ बाप का पीछे कौन होगा? कोई नहीं है ना, अभी कोई नहीं पूछता तो बाद में कोई पूछेगा, पहले अपना सगा बेटा नहीं हो तो दामाद क्या होगा मेरे माँ बाप का? तो मैं चाहती हूँ मैं अपने माँ बाप को पूरा सपोर्ट करके जाऊँ, मैं अपने माँ बाप का ऐसा बैकग्राउंड बना के जाऊँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बिल्कुल ऐसे है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप का एक मजबूत, के लड़कियाँ भी कभी लड़कों से कम नहीं होती, बिल्कुल तो मैं अपने माँ बाप को ऐसा करके जाऊंगी वो सुकून की जिंदगी गुजारे, क्योंकि जब तक अपना बेटा नहीं होता तो दामाद क्या करेगा। यहाँ पे कितना टाइम देती है? मैं यहाँ पे मतलब की 4 बजे सुबह तक यहीं होती हूँ, मतलब की टाइम मुझे सारा देना पड़ता है क्योंकि समेटना पड़ता है और फिर सारा काम करना पड़ता है, तो मैं 4 बजे यहाँ से मतलब की 4 बजे रात में जाती हूँ, 3:30 बजे रात में जाती हूँ, जब मार्केट में झाड़ू होती है, फिर नमाज पढ़ते पढ़ते 7 बजे सुबह मैं सोती हूँ,
सिर्फ 2 घंटा सोती हूँ, उसके बाद फिर घर की ठेले वेले की तैयारी शुरू करना कर देती हूँ। मैं सोना, नींद तो बहुत आती, पर क्या करूँ, काम तो। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, ताकत दे। देखें, ये लड़की होते हुए लड़कों से ज्यादा मेहनत कर रही है, और हमारी आवाम को भी चाहिए कि आप इनको सराहें और इनका साथ दें, आए इनके, यानी अच्छा, यानी इनका माइंड है। इन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि किसी से मांगे या कुछ करें, अपनी मेहनत से अपनी इज्जत कमाई है इन्होंने, और अपनी मेहनत से माशाल्लाह यहाँ तक पहुँची है। आज आवाम का रश है, तूफान है, तो इसी तरह जैसे आवाम इनके साथ है, तो हुक्मरानों को भी चाहिए कि ये इसका थोड़ा बहुत साथ है बच्ची का, देखें क्या क्या। आप कोई मैसेज देना चाहती है हुक्मरानों, या काम करती रहे, बोलती रहे, हाँ, किसी को भी, बड़े हुक्मरानों को या जो नौकरी चाहती हूँ कि मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं है, बस मेरे आए, मेरी शॉप को बड़ा कर दे, मेरी शॉप मतलब कि मेरी शॉप में इतना कर दे कि मैं खुद अपने मेहनत से कर लूँ, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, मेरी शॉप में कर दे या मेरे घर का कुछ कर दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी शॉप मतलब कि मैं चाहती हूँ मेरा एक रेस्टोरेंट हो जाए, मेरे अच्छे से एक रेस्टोरेंट हो जाए, मैं ये चाहती हूँ ताकि मैं इतनी पॉपुलर मतलब कि इतना पावरफुल हो जाऊँ कि मैं आज मैं 10 लोगों का दस्तरखान शुरू करूँ, और उसके अलावा कि मैं 50 लोगों को बिठा के खिलाऊँ। मेरी सोच इतनी है, देखें, इतनी अच्छी सोच रखने वाली इतनी प्यारी बच्ची ये चाहती है कि गवर्नमेंट से थोड़ी सी अपील है, ये कोई ऐसी चीज नहीं मांग रही है, आपसे कुछ नहीं मांग रही है, इतना सपोर्ट चाह रही है कि इनको कोई ऐसी शॉप करके दे दे ताकि ये अपनी इज्जत से अपनी मेहनत से आगे बढ़े, और लोगों की खुद खिदमत करने का जज्बा जो दिल में रखता है तो आदमी आपके खुश है कि वो आदमी कहाँ तक जाता है। बड़ी बहन है मतलब कि उनकी शादी 1 साल बाद, वो सबसे बड़ी है और मैं हूँ, तो उनकी शादी 1 साल बाद, तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। कराची की आवाम आपको पता है हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है, आप बताएं कि आप लोगों, आपने कैसा यहाँ पे कराची की आवाम को पाया? मैंने बहुत सपोर्ट, सारे स्टॉल वालों ने मुझे मतलब की बहन बनाया हुआ है, और मतलब की सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सब बहुत अच्छे से रहते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मुझे लगता है मेरी फैमिली की तरह, कोई मुझे कोई गलत कमेंट नहीं करता है, मुझे तो बल्कि ये बोला जाता है कि मुझे हर एक शॉप वालों ने, हर एक स्टॉल वालों ने बोला है कि आपको कोई प्रॉब्लम या आपको कोई भी मसला होगा हम आपके साथ हैं। हिम्मत को और इस हौसले को देख के मुझे एक शेर याद आया है कि खेलो तूफानों की मौजों से, किनारों से नहीं, मंजिल हिम्मत से मिलती है, सहारों से नहीं। इसके बारे में क्या बोलती है आप, क्या इन्होंने जो आपके लिए एक शेर कहा है इस मौके पे, वाकई ये आपके ऊपर बिल्कुल सूट करता है? जी बिल्कुल सूट करता है ना। आ जाओ इधर, आ जाओ। لَمَنْتِ أَرَّابِ مِنَّنَا هَاكِ غَرِيبَ بِتَحْصَلْ أَشْعَرْ بِالْحُبِّ وَالْهَنَا إِمْتَ اللُّؤَى إِمْتَ مَا تَقُولْ चले भाई, इंटरव्यू ले लिया हम लोगों ने, और ये रहा चलता फिरता केफ से, आप लोग भी आए जरूर ट्राई करें, और मैं भी ट्राई करता, आप लोग मेरे आवाज सुन सकते हैं गली की कितनी खराब है, वरना मैंने तो जरूर ट्राई करना। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना रश है मार्केट के अंदर, और एक हुजूम सा यहाँ पे बिल्कुल लगा हुआ है, लोगों का रश और चीजों का रश, हर तरह का यहाँ पे मटेरियल आपको मौजूद है, आप कपड़ों से लेके जूतों से लेके चप्पलें ज्वेलरी, एक इकबाल मार्केट है ये 11:30 नंबर पे, और यहाँ पे हर तरह का आपको सामान, ईद की शॉपिंग का मटेरियल, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग भी आए और सपोर्ट करें, ऐसी ख़वातीनों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इटसेल्फ खुद से अपना घर चलाना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि किसी पे बोझ ना बने, तो आप लोग भी आए, ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें और इनके चिप छाते रहें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहें। हमारे गवर्नर साहब भी माशाल्लाह हर जगह घूमते हैं, मैं उनको भी इन्वाइट करता हूँ इस जगह पे आने की, 11:30 पे औरंगी टाउन पे आए, और ये बाल मार्केट है, ये बच्ची को थोड़ा सा सपोर्ट करें और कुछ उसकी हेल्प भी करें, और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी तरह से मेहनत कर रही है वो, और उसकी एक बहन है बड़ी और एक छोटी, खुद है ये कह रही है कि वो शादी होकर चली जाएगी, उसकी शादी का भी जिम्मा उसने अपने सर लिया हुआ है, तो हम सबको मिलके सोचना चाहिए और करना चाहिए। ये देखें ये लोग मेरे गला खराब होने का फायदा उठाते हुए गोलगप्पे खा रहे, गोलगप्पे खा रहे।
वीआईपी गोलगप्पे। और ये यहाँ पे छोटी सी छोटी सीट बनी है, इधर आइसक्रीम भी मिलती है और टिक्के बिरयानी वगैरह हर चीज यहाँ पे मौजूद है, बर्गर वगैरह दिखाना इधर भी खंबे के पास जाओ। ये चल इन्होंने मेरे लिए बनाई है, ये देखिए माशाल्लाह। और ये थैंक यू जज़ाकअल्लाह। ये पप्पा और रिजान जो है भाई मेरे गले का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं, मेरा गला क्या खराब हुआ इन लोगों ने आइसक्रीम बोल के। ये पिस्ता आ गई, आपके मजे आ गए। और ये लगाए चॉकलेट डालनी है, चॉकलेट नहीं डालना भाई, नहीं बस 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 थैंक यू। ये देखे जरा, ये देखे आइसक्रीम खा रहे हैं ये लोग और मेरा गला खराब है। मजे ले लेके खाएंगे, यमी आइसक्रीम खाएं और बाप बेटा को सब्सक्राइब करें। हाँ बेटा कैसी लगती है आपको आइसक्रीम? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, रोजाना खाते हो आप? जी रोजाना तो हम भी नहीं खाते भाई। और टाइम तो हो गए 12:30 लेकिन हम हैं 11:30 पे गोपाल मार्केट औरंगी टाउन की ये मशहूर आइसक्रीम हम खा रहे बड़े मजे से, आप भी आए और एंजॉय कीजिए। 12:30 से 11:30 और इनका गला खराब है, साथ ही खराब है, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं, आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएगी। तुमने पप्पा ने जो है अपनी आइसक्रीम शेयर कर दी है और यहाँ पे पार्किंग गलती हो गई, नहीं तो मैं ले आता, मुझे नहीं पता था कि इनको आइसक्रीम पसंद नहीं। तो एक आइसक्रीम झूठा खा रहे तो मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। क्या बात कर दी, यहाँ पे पार्किंग का देखते हैं। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे पार्किंग का? 10-15 दिन हुआ है यहाँ पे। 10-15 दिन हुए रमजान मनाने, ईद मनाने आए, ईद मना रहे हैं। और ये नाजरीन ये ऑरेंज लाइन है और अभी डाउन की 5 नंबर की, ऐसा लग रहा है स्पेसशिप आ गई है सर पे। ये स्टाफ पे गाड़ी यहाँ से घूमती है वापस बस अपना इसे स्टाफ पे आ जाती है। ये अभी डाउन की ऑरेंज लाइन, मैं कैमरा रख रहा हूँ। इससे पहले कोई हमारे मोबाइल को लाइक कर दे और अपने गन को सब्सक्राइब कर दे। आज भी मेरे ख्याल रिजाइन, ये आपका उल्टे हाथ पे सारा इंटर बोर्ड ऑफिस है और आगे मल्टी बोर्ड ऑफिस है और ये ऑरेंज लाइन यहाँ तक आती है। ये ऑरेंज लाइन है, अभी कराची के बाद हम इसको रेड लाइन कर देंगे।